नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं दोस्तों, यह पौधा भारत के सभी भागों में पाया जाता है, सभी राज्य में पाए जाते हैं। इसका नाम अपामार्ग है। इसे कहीं कहीं लटजीरा भी कहते हैं, चिटचिटा भी कहते हैं, अपामार्ग के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों आपके भी क्षेत्र में कुछ और नाम से जाने जाते होंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों आयुर्वेद के मत के अनुसार यह एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है और हमारे शरीर में कई ऐसे पुराने से पुराने रोग को यह जड़ से सही करने के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों आप एलोपैथी के दवाई खा खा करके परेशान हो गए हैं, बहुत सारे से दवाई खाते हैं, लेकिन दोस्तों यह जो आयुर्वेद है यह आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। इसमें कोई खर्च नहीं है, बस आपको तरीका मालूम होनी चाहिए कि इसका प्रयोग कैसे करनी चाहिए और दोस्तों इसकी पहचान होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम ये जो हाथ में मेरे हाथ में जो वीडियो आप पौधे देख रहे हैं, हम इसी पौधे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अपामार्ग, और इसके कुछ फ़ायदे के बारे में बात करेंगे कि आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके बारे में विस्तार से जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। लाइक आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसके वजह से आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो आप इस चैनल के माध्यम से हम लाते रहते हैं, जड़ी बूटी के लाते रहते हैं, उसकी जानकारी आपको देते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आयुर्वेद के मत के अनुसार इसका जो स्वाद होता है ना, कड़वा होता है, और इसकी जो तहसीर होती है ना, और ये जिसकी प्रकृति बोलते हैं, वो गर्म किस्म का होता है। दोस्तों पहले सबसे पहले हम बात करेंगे गठिया रोग। जी हाँ दोस्तों, गठिया रोग बहुत ही गंभीर बीमारी है और यह घुटने की प्रॉब्लम होता है, कमर दर्द की या जोरों जोरों में दर्द होने लगता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा औषधि है। दोस्तों इसका कैसे इसका प्रयोग करना है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए इसके कुछ कैसे इसका प्रयोग करना है मैं बता दे रहा हूँ। और दोस्तों घुटने का दर्द ज़्यादातर ठंडी में ज़्यादा होने लगते हैं, तो दोस्तों इसके लिए बहुत साधारण सा प्रयोग है। आप कुछ पत्ते ले आएँ, उसको आप क्या करें, गर्म करके जिस जगह दर्द हो रहा है वहाँ पे लगा करके इसको बांध लें। दोस्तों आप यकीन मानिए, आपका जो गठिया का दर्द है, जो हड्डियों का जोड़ों का दर्द है, वो बहुत जल्दी सही हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर जो जहरीले कीड़े काट लिए, जैसे बिच्छू हो गया, बरैया हो गया और ततैया, ऐसे सब छोटे मोटे कीड़े काट लेते हैं ना, बहुत जहरीले, बहुत दर्द होता है। जी हाँ दोस्तों, और सूज भी आता है, उसके लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। आपको क्या करना होगा दोस्तों, उसके लिए आप अपामार्ग का पत्ता ले आएँ और उसको पीस करके, और जहाँ पे जहर ततैया या कोई बिच्छू काटा है वहाँ पे आप लेप लगाएं। दोस्तों उसका जो जहर होता है ना, वो खींच करके और बाहर कर देता है। दोस्तों बहुत अच्छा इसका प्रयोग है, आप कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जो आप मेरे हाथ में जो ये डंठल देख रहे हैं, इसके जड़ देख रहे हैं, दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपके दांत में कोई तरह की प्रॉब्लम हो, जैसे मसूरे से खून आने की समस्या हो, या फिर दांतों में कीड़े लग गए हो, या फिर मसूरे में सूजन हो गया हो, तो किसी भी प्रकार का समस्या अगर दांतों से लेके है, तो दोस्तों यकीन मानिए इसका जड़ का आप दांतुन बना करके आप इस प्रयोग करें। दोस्तों यकीन मानिए, आप कंटिन्यू 15 दिन कर ले, आप दांतों के कोई भी समस्या हो वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अपामार्ग दांत के लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। दोस्तों आप इसका प्रयोग करें, और जैसे ही आप इसका दांतों के साथ दांतुन करेंगे तो उसमें हल्का हल्का झाग आता है और बहुत अच्छा आपको फ़ायदा करेगा। दांत के लिए तो ये रामबाण है, और इससे अच्छा कोई दांत के लिए कोई औषधि और कोई दांतुन है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों अगले फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यह महिलाओं के लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, इसका आपको प्रयोग कैसे करना है, दोस्तों बहुत सारी महिलाएं जो बहुत सारे ऐसे दवाई खा खा करके वैद्य हकीम के पास जा जा के परेशान हो गए हैं, तो दोस्तों मेरे बताए कुछ नुस्खे का आप प्रयोग ज़रूर करें, आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, इसके लिए दोस्तों मासिक धर्म के 5 दिन बाद आपको क्या करना है, अपामार्ग के जड़ सुखा करके और पाउडर बना लेना है, और मासिक धर्म के 5 दिन के बाद आपको 1 चम्मच इसका चूर्ण और 1 गिलास दूध आपको इसका सेवन करें, और कंटिन्यू आपको 21 दिन तक करना है।
ऐसा करते हैं तो महिलाओं में गर्भ धारण की क्षमता बढ़ जाती है और 100% नहीं तो 80% चांस बढ़ जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर किसी गर्भाशय में किसी महिला गर्भाशय में कोई तरह की इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है उसको भी दूर करने की क्षमता होती है और बहुत अच्छा इसका प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। तो इसके अलावा अगर किसी को सर दर्द की समस्या रहता है, जैसे कि कभी कभी होता है कि आधा सर दर्द करता है जिसे अधकपारी भी बोलते हैं, जी हाँ दोस्तों, उसको भी दूर करने के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। उसके लिए इसके जड़ को ले लें और उसको किसी पत्थर पे घिसें हल्का पानी मिला करके, उससे जो पेस्ट निकलेगा उसको घिस घिस कर जो पेस्ट निकलेगा आप उसको माथे पे लगाएं दोस्तों। उससे लगाने के बाद आपको 10 से 5 मिनट में आपकी सरदर्द ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रयोग है दोस्तों, इसका आप ज़रूर करें। दोस्तों अगले फायदे के बारे में बात करें, जैसे बालों का झड़ना, गंजेपन और बालों का टूटना या बालों में ग्रोथ नहीं होना, रूसी हो जाना, उन सब के लिए बहुत अच्छा अपामार का प्रयोग है दोस्तों। उसके लिए आप क्या करें, इसके पत्ते को ले आएँ और उसको मसल करके सरसों के तेल में उसको अच्छी तरह से सरसों के तेल में इसको पकाएं दोस्तों। इसके बाद छान करके आप जहाँ पे भी गंजापन है वहाँ पे इसको लगा करके हल्का मालिश करें दोस्तों। इस तरह से अगर करेंगे तो आपकी बालों के जो गंजेपन है उस समस्या दूर हो जाएंगे, बालों का टूटना ठीक हो जाएंगे, बालों से लेकर कोई भी समस्या उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन औषधि है दोस्तों। ये बवासीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बवासीर आज की डेट में दोस्तों बहुत ज़्यादा तादाद में होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बवासीर से परेशान हैं, उनके लिए बहुत अच्छा इसका प्रयोग है दोस्तों। कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। उसके लिए जो इसके जो होते हैं ना चीज अपामार के जो बीज होते हैं, जो कि मेरे हाथ पे देख रहे हैं ना, ये जो चिपका हुआ इसके जो ये बीज निकलते हैं, आप इस बीज को ले आइए और उसको सुखा करके आप चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बना करके 3 ग्राम के चूर्ण की मात्रा लें और उसमें क्या करें, और दूसरा क्या होता है, चावल से जो आप पकाते हैं चावल उसका जो पानी निकलता है उस पानी में आप इसको मिक्स करके 1 गिलास के लगभग आप ले लें और उसमें 3 ग्राम की मात्रा में इसका चूर्ण डाल करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। इस तरह से अगर सेवन करेंगे तो जैसे बवासीर धीरे 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 चाहे खूनी हो या बादी, दोनों में बहुत अच्छा इसका प्रयोग है, आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आज बताया आपको अपामार के कुछ फ़ायदे के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना। फिर मिलते हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ, एक नई औषधि के साथ। नमस्कार दोस्तों।